माँ सुनो वत्स। मैं धन्य हो गया माँ, मेरा जीवन सफल हो गया माँ, आपके दर्शन हो गए। सुनो वत्स, मैं तुमसे तभी प्रसन्न होगी जब तुम मेरा कहना मानोगे। आज्ञा दे माता, क्या करना होगा मुझे? जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ स्वच्छता प्रवेश करती है, मैं वहीं वास करती हूँ। मैं उन्हीं भक्तों से प्रसन्न होती हूँ जो मेरा कहना मानते हैं। माता मैं समझ गया। तथास्तु। अरे सुनती हो जल्दी उठो। क्या हुआ जी? उठो जल्दी। क्या हुआ जी? आज दीपावली है, आज साफ सफाई नहीं करना है क्या? ये कौन सी नई बात है जी, ये तो हर साल करते हैं। अरे आज कुछ खास है। क्या खास है जी? आज सपने में मेरे स्वयं माता लक्ष्मी जी आई थी। क्या सच में जी? उन्होंने कहा कि घर में साफ सफाई हो तो हमारे घर में आके प्रवेश करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, तो फिर जल्दी जल्दी साफ करते हैं। तो फिर चलो 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 चलो। संतोष, दरवाजे में देखिए तो जी कौन है। ठीक है। मंतोष। हाँ भैया। अरे वो सफाई में लगे हैं हम लोग भी, तो तुम्हारी सीढ़ी चाहिए थी, क्या तुम्हारी वो सीढ़ी मिल सकती है? सीढ़ी तो भैया मेरा काम हो रहा घर का, दोपहर तक मतलब मेरा घर का काम अगर खत्म हो जाता है तो आपको दे देते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा काम करते हैं ना, लड़का को भेज देते हैं, उसे इसके हाथ में भेज देना। ठीक है भैया, भिजवा दे, लड़का को भेज दीजिए तो हो जाएगा। बढ़िया से साफ सफाई करो, हम लोग भी लगे हुए हैं। ठीक है चलो। अरे सीढ़ी मांगने आया था यार वो बगल वाले भैया। अच्छा बाबू, ए बाबू। अब कौन है जी? हाँ बाबू। अरे ए बाबू, परेशान कर दे रहे बाबू। कौन है यार? साफ सफाई हो गया बाबू? हो गया। हाँ दीजिए। क्या क्या दे? दीजिए। क्या दे? अरे पैसा दीजिए। काम हो गया? काम मतलब पूरा काम कर दिया, पूरा बगान झाड़ू मार दिया, अरे नाली उली भी साफ कर दिया। अरे पूरा साफ कर दिया तो तुम शाम को आना पैसा लेने। अरे सर दारू पीने के लिए दीजिए। नहीं तुम शाम को आना, जाओ पैसा लेने जाओ। आधा से काम कर दिया। नहीं दारू पीने के लिए दीजिए। खत्म करो, माथा मत खराब करो। अरे सुनो इसीलिए हम साफ सफाई का काम नहीं करते, इसीलिए मेरा बढ़िया चोरी का नहीं था। अरे वो आदमी काम नहीं कर रहा था बगान में। हाँ अब कौन है जी? हाँ अरे यार परेशान हो गया एकदम लोग से। बाबू कुछ तो दे दो खाने का कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाए। अरे माँ तुम लोग भी ना, कुछ तो होगा। नहीं आज कुछ नहीं है, बहुत जन का किचकिच से आज हम परेशान हो गए, आज कुछ भी नहीं मिलेगा। दे दो भगवान तुम्हारा भला करेगा। कलाओ कल मिल जाएगा आप लोग को, आज वैसे भी कुछ बना नहीं घर पे, काम चल रहा घर पे। कुछ तो होगा, क्या दिन है, बुढ़िया पे कोई दया भी नहीं करता है। अरे एक बुढ़िया आई थी, दिमाग खराब कर दी,
दिन भर आना जाना इन लोगों का लगा ही हुआ है। आज का दिन ही इन लोग का आना था। हे भगवान, हम भेज दिए, दिए ही नहीं कुछ इन लोग। ठीक किए जी, ठीक किए। आज का दिन देना नहीं है कुछ। अरे जल्दी करो, पूजा का टाइम हो रहा है। हाँ जी, जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी पूजा करते हैं। अच्छा, वे पूजा नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है सर। चलिए चलिए, फिर पूजा कीजिए। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। ए जी लक्ष्मी माँ कहाँ है? ए जी लक्ष्मी माँ दिखाई नहीं दे रही है। तुम नहा के नहीं आई होगी ठीक से। क्या बात करते हैं जी, आप बड़े अच्छे से नहा के आए हैं। और नहीं तो क्या। चलिए चलिए, फिर पूजा करते हैं। चलिए, तुम सिर्फ सोते ही रहो। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। जी कहाँ है लक्ष्मी माँ? देखे ना जी, 12 बज गए। तुम ठीक बोल रही हो, लगता है माँ नाराज है हम लोग से। आप ही ने जी कुछ किया होगा, इसलिए प्रवेश नहीं कर रही है। ए जी भूख बहुत लग रही है। चलो कुछ खाते हैं, सो जाते हैं। कल फिर से पूजा करेंगे। जी आप तो बोल रहे थे कि हमारे घर लक्ष्मी माँ प्रवेश करेगी। उन्होंने तो कहा कि हमारे घर प्रवेश करेंगी अगर साफ सफाई हुई तो। शायद कुछ भूल हुई होगी। बहुत नींद आ रहा है जी। चलो सो जाओ। अपना मन साफ रखो, मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगी।